दानवीर करण की कहानी तो आपने सुनी होगी, देखी होगी, मगर आज एक बार फिर से एक ऐसे ही दानवीर की कहानी आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज मिला अवसर करो, सार्थक अपना धन भाव बनाओ, दान का कर लो जीवन धन में। जिस युग में आज इंसान एक एक पाई के लिए दूसरे के खून का प्यासा हो जाता है, उसी युग में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी ताउम्र की कमाई 600 करोड़ तक दान कर देते हैं। क्या हुआ, हैरान हो गए ना? बिल्कुल सही सुना आपने, 600 करोड़ रुपया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर कौन है वो जिसने गरीबों का मसीहा बनने की ठान ली, अपनी जिंदगी भर की कमाई दान कर दी और वो भी 600 करोड़। उस दानवीर के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये सच्ची दास्तान दुनिया के सामने नजीर है कि दौलत ही सब कुछ नहीं होती। वैसे तो जिंदगी में सफलता, कामयाबी और शोहरत किसे नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो इसे हासिल करके गरीबों को दान कर देते हैं। ऐसी ही मिसाल पेश की है यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले समाज सेवी और उद्योगपति डॉक्टर अरविंद कुमार गोयल ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक कठिन परिश्रम और मेहनत से गुजारी, संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन मन में समाज के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी और इसी तमन्ना ने इस कदर जगह बनाई कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति गरीबों को दान करने की ठान ली। इस संपत्ति की कुल कीमत 600 करोड़ रुपए आकी जा रही है। अरविंद गोयल ने ये दान राज्य सरकार को दिया है, जिसकी मदद से गरीबों के लिए काम होंगे। उन्होंने अपने पास मुरादाबाद में सिर्फ एक कोठी रखी है। आइए अब ये भी जानते हैं कि संपत्ति दान करने से पहले डॉक्टर अरविंद गोयल लोगों की मदद कैसे करते थे। डॉक्टर अरविंद गोयल उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ साथ कई राज्यों में 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थान, वृद्धा आश्रम और अस्पताल में ट्रस्टी हैं। वहीं कोविड लॉकडाउन के दौरान भी मुरादाबाद के 50 गांव को गोद लेकर उन्होंने लोगों को खाना खिलाया और दवाई का इंतजाम भी किया था। डॉक्टर अरविंद गोयल को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए राष्ट्रपति 4 बार सम्मानित कर चुके हैं। उनके पिता प्रमोद कुमार और माँ शकुंतला देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। डॉक्टर गोयल का कहना है कि 25 साल पहले उन्होंने अपनी संपत्ति दान करने की ठान ली थी। अब आइए जानते हैं डॉक्टर गोयल संपत्ति दान क्यों करना चाहते हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर गोयल ने बताया कि वो एक बार दिसंबर के महीने में ट्रेन से जा रहे थे, तभी उनको एक आदमी दिखा जो ठंड से ठुठुर रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने उसे अपने जूते दे दिए, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उनकी हालत खराब होने लगी। उसी दिन उन्होंने ठान लिया था कि वो गरीबों की मदद करेंगे। डॉक्टर गोयल की संपत्ति को सही दाम में बेचने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इसमें 5 लोगों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद संपत्ति को बेचा जाएगा और जो पैसे मिलेंगे वो गरीबों को दान कर दिए जाएंगे। खैर, डॉक्टर गोयल को देखकर तो बस इतना कहा जा सकता है, जनाब की दौलत के संग पाई है दरिया दिली भरपूर, आपके जैसा दूसरा दानी नहीं होगा हुजूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।